वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक वोकेशनल। अज आप टॉपिक करांगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये जिहड़ा टॉपिक है एक केमिस्ट्री दे सिलेबस चों है। साइंस वाले स्टूडेंट्स इनू काफ़ी डिटेल च करदे ने, लेकिन आपां इलेक्ट्रॉनिक्स दे स्टूडेंट सिर्फ उन्ना ही करांगे जिन्ना सानू रिक्वायर्ड है, जिहड़ियां टर्म्स बारे सानू पता होना चाहिए। ये जिहड़ी थ्यूरी है इसकी इनवेंशन जॉन डेल्टन ने कीती सी। इसे थ्यूरी दे बेस्ड असी आधार मन के इसनू स्टडी करते हैं। सब तो पहला गल हो रही है कि एटम की हुंदा। सब तो पहला अपन ये पता होना चाहिए भी एटम की हुंदी है। एटम हुंदा किसी भी पदार्थ नू, भावें वह लिक्विड है, सॉलिड है, गैस है, जदों असी उन्हों टुकड़ियां च वंडदे हाँ, जेड़ा उहदा सब तो छोटा टुकड़ा है जिन्हों अगे असी वंड नहीं सकते उसनों एटम कहा जाता। एटम की डेफिनेशन च की लिखांगे, किसी भी पदार्थ का छोटे तो छोटा कण जिन्हों असी अगे वंड नहीं सकते उन्हों एटम कहा जाता। हुण ये एटम की स्ट्रक्चर की है? एटम नूं असी इदां दी स्ट्रक्चर नाल कंसीडर करदे हाँ भी इसका एक सेंटर हुंदा है। इस सेंटर नूं कहा जांदा हैगा न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस दे विच अगे दो पार्ट्स हुंदे ने, एक हुंदा प्रोटोनस, एक हुंदे ने न्यूट्रॉन्स। न्यूक्लियस दो चीज़ां नूं मिला के बनता है, प्रोटोनस अते न्यूट्रॉन्स। जिहड़े प्रोटोनस हुंदे ने इन्हां ते हुंदा हैगा पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन्स ते कोई चार्ज नहीं हुंदा, नो चार्ज। सेंटर दे विच न्यूक्लियस, न्यूक्लियस दे टू पार्ट्स प्रोटोनस एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटोन पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन नो चार्ज। इन्हां दे आले दुआले चक्कर ने, इन्हों चक्करां नूं कहा जांदा है ऑर्बिट। इन्हों चक्करां नूं कहा जांदा है ऑर्बिट। इन्हों ऑर्बिट्स दे विच साडे इलैक्ट्रॉन्स घूमदे ने। इलैक्ट्रॉन्स साडे रिवॉल्व करदे ने, घूमदे ने इन्हों ऑर्बिट्स दे विच। इलैक्ट्रॉन्स ते चार्ज किहड़ा हुंदा है? नैगेटिव। हुण एक ऑर्बिट विच किन्ने इलैक्ट्रॉन्स घूमणगे? इसका एक फॉर्मूला है 2n/2। अगर असी फस्ट ऑर्बिट की गल करिए, अगर इनू 1 लैने तो सॉल्व करके साढ़े को आ गया 2। अगर असी ऑर्बिट सैकेंड लैने सॉल्व करके 8, दैन 18 एंड सो ऑन। इट मीनस फस्ट ऑर्बिट के 2 इलैक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, नैक्सट 8, नैक्सट 18। ये अगे होंगे कि किस तुसी पदार्थ की गल कर रहे हो, उहदा अटोमिक नंबर की है, ये उहदे ते बेस्ड है। तुहानू इन्नी डिटेल च जाण दी जरूरत नहीं, तुसीं सिर्फ इन्ना ही करना है। एटम सब तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। इसदे सेंटर विच न्यूक्लियस हुंदा है। न्यूक्लियस दे दो पार्ट हुंदे ने, प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटोन पॉजिटिव, न्यूट्रॉन नो चार्ज। न्यूक्लियस दे आले दुआले ऑर्बिट्स हुंदे ने, उन्हां ऑर्बिट्स दे विच इलैक्ट्रॉन मूव करदे ने जिन्हां ते नैगेटिव चार्ज हुंदा। इन्हां ऑर्बिट्स नूं असीं शैल्स भी बोलदे हाँ। फस्ट नूं कहा जांदा है के शैल, दैन एल, दैन एम, दैन एन। नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स असीं इस फॉर्मूले नाल कैलकुलेट करदे हाँ कि फस्ट ऑर्बिट किन्ने होणगे, सैकेंड च किन्ने, एंड सो ऑन। जदों तुसी एटॉमिक स्ट्रक्चर की गल करोगे तो इहदे नाल कुछ डेफिनेशनस आ जांदियां। जिद्दां कि फस्ट डेफिनेशन एटम की है, सैकेंड न्यूक्लियस की है, थर्ड इलैक्ट्रॉन्स की ने, फोर्थ ऑर्बिट की ने, नैक्सट अटोमिक वेट की है। अटोमिक वेट मैं नोट्स के लिखा हुआ है। न्यूक्लियस दे विच टोटल जिन्ने प्रोटोनस ते न्यूट्रॉन्स हुंदे ने वो एक एटम दा अटोमिक वेट हुंदा। आपां नूं यही समझना जरूरी है क्योंकि इलैक्ट्रिसिटी दे विच दो चीज़ां इंपॉर्टेंट ने कि करंट किद्दां फ्लो करदा, एक नैगेटिव हुंदा, एक हुंदा पॉजिटिव। साडे इलैक्ट्रॉन्स नैगेटिव ने, सेंटर साडा पॉजिटिव है। इलैक्ट्रोमैगनैटिक फोर्स
साढ़े इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। सो ये सीगी एटोमिक स्ट्रक्चर। ये मैं फर्स्ट टॉपिक तैयार किया है प्लस वन वोकेशनल। नैक्सट वीडियो आप नैक्सट टॉपिक करांगे। थैंक यू।